और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए गुलाबो सपेरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए जिस हिसाब से आज ये सुबह सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई, स्वर कोकिला, अगर बात की जाए लता मंगेशकर का निधन हो गया, क्या कुछ अभी आपकी प्रक्रिया? जी मैम, देखिए आज सुबह सुबह बेहद दुखद खबर सामने आई, आज भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का निधन हो गया, देश और दुनिया के लिए अपूर्णिय क्षति। मैम, मेरे को बहुत बहुत दुख, बहुत दुख हो रहा है। हमारे एक सरस्वती माता ने आज आंख बंद कर ली और उन्होंने आज अपने देश को छोड़ के रू जा रहे हैं। बहुत दुख की बात, मुझे तो अभी मैं सो रही थी तो मेरे पास में भी फोन आया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है जी। और बस मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि हमारी सरस्वती माता जिसको हम याद करते हैं, जिनको हम जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, आज वो हमारे आंखों से उजल हो रहे हैं, लेकिन सबके दिलों में बसे हुए हैं वो, सबके दिलों में, सबके दिमाग में, वो कभी दूर नहीं जा सकते हमारे से, उनकी यादें कभी दूर नहीं जा सकती। आंखों से उजल जरूर हो सकते हैं लेकिन हमारे दिलों से दूर नहीं हो सकते जी। और मैं अब कुछ नहीं बोल सकती, बहुत रोना आ रहा है मुझे जी। मैम देखिए, कहीं ना कहीं ये क्षति तो है ही, देश और दुनिया के लिए अपूर्ण क्षति माना जा रहा है। सुरों की मल्लिका कहे जाने वाली लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रक्रिया साझा करने के लिए। तो पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने आज लता मंगेशकर को नमन किया। लता मंगेशकर के निधन पर सीएम गहलोत ने भी शोक जताया है, कहा लता मंगेशकर के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। महान गायक भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सुरीली आवाज थी, जिन्होंने अपने 7 दशकों से अधिक लंबे समृद्ध योगदान में भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। सुरों की मल्लिका कहे जाने वाली लता मंगेशकर का आज निधन हो गया।